पी ब्लॉक एलिमेंट का एंट्रेंस क्वेश्चन डिस्कशन में 2019 का कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, टोटल 19 क्वेश्चन है। तो उसमें ये 6वां क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे जीमेन लेक्चर कोड है जीमेन 2019। करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग ए टू जेड रिगार्डिंग सिलिकॉन्स, देखिए सिलिकॉन्स टॉपिक है हमारा यूनिट 11 में है, सिलिकॉन्स 11.8.4 ये टॉपिक। इसके पेज नंबर 322 पर ये सब लिखा हुआ है। सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड बाय नॉनपोलर अल्काइल ग्रुप और वाटर रिपेलिंग इन नेचर, तो देखिए ये वाटर रिपेलिंग इन नेचर ये में हाइड्रोफोबिक होगी, ये हाइड्रोफोबिक। इसके नीचे में है बीइंग बायो कॉम्पैटिबल दे आर यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, ये भी देखिए इसमें है चॉइस में। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डायलेक्टिक, no dielectric strength, high dielectric and low dielectric strength. इसमें क्या लिखा हुआ है? They have in general high thermal stability, high dielectric strength. Dielectric strength high है, low नहीं। तो ये यहाँ पर choice नहीं होगा आंसर। Among the regarding statements are correct. Correct statement. ये correct नहीं हुआ, incorrect हुआ। अब next one, will they are assistance to oxidation? ऑक्सीडेशन एंड यूज दैट ग्रीस, देखिए दे आर यूज दैट यहाँ पर क्या हुआ एंड रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल, दे आर वाइड एप्लीकेशन, दे यूज एंड सीलेंट्स एंड ग्रीस, सीलेंट एंड ग्रीस से इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है हमारा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए क्लोज ये 322 नंबर 21 पे ये टॉपिक है और 22 में जो पैराग्राफ है 322 के ऊपर पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ से लाइन टू लाइन आपका चॉइस बनाया हुआ है। इसको इस तरह से हम इस तरह से इस केमिस्ट्री को एनसीईआरटी पढ़ना ताकि हमारा एक एक क्वेश्चन जो है पूरा बन जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन एंड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2S6, ये फिगर पे दिया गया हुआ फिगर 11.2 ए में मोरन, ये हाइड्रोजन ऊपर रहता है नीचे रहता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे एक मिनट, दो इलेक्ट्रॉन इधर है और ये तीन सेंटर जुड़ा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, एक्चुअली देखो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो का बॉन्ड है, दो एटम जुड़ा हुआ है, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर, दो दो चार आई दो इलेक्ट्रॉन दो एटम है और तीन दो इलेक्ट्रॉन है और तीन एटम जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, इसका संख्या दो हुआ, टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन यानी दो दो चार और तीन एटम दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन दो यानी चार और दो, ये आंसर। द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी बाय मल्टीपल बॉन्डिंग, ये पेज नंबर 317 पर दिया है, इसको भी दिखा देते हैं हम 317 पेज। कार्बन हैज आल्सो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी बाय पी बाय मल्टी बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एटम्स, एस वॉल साइज हैव हाई इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल मल्टी बॉन्ड ऑन कार्बन आर सबसे हाईएस्ट कार्बन में, ये पेज नंबर 317 पर ऊपर वाला पैराग्राफ पर लिखा हुआ है। डायबोरॉन रिएक्ट विद इंडिपेंडेंटली विद O2 एंड H2O, ये डायबोरॉन की रिएक्शन में फिर 313 पेज पर हम आएंगे, इसका आंसर मिलेगा हमको। ये डायबोरॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन से B2O3 बनता है, डायबोरॉन का रिएक्शन लिख लीजिए B2S6+O2 B2O3+3H2O, ये तीन मॉलिक्यूल और इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं बोरिक एसिड बनता है ना, बोरिक एसिड बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है
V2S6H2O. H3BO3 दो मॉलिक्यूल बनेगा, तीन वाटर, यहाँ रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ नीचे वाटर के साथ, इसमें लिखा हुआ पेज नंबर 313 पर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को V2O3 H3BO3, ये बनता है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। हम लोग तीनों क्वेश्चन देखे, 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जिसके ये बुक सेकंड 11th का मेरे हाथ में है, इसमें पूरा एकदम आपका एनसीईआरटी के हिसाब से उसके लाइन से उठा उठा के क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा को नॉलेज रहेगा डायरेक्ट आंसर कर देगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, C60 एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, देखिए फ्लोरीन 11.7.3 टॉपिक है, 11.7.3 टॉपिक है। इसके सेकंड पैराग्राफ में ही कंटेंट 26 मेंबर, 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग, यस सेंटेंस हो गया। 20 हो गया हेक्सागोन्स और 12 हो गया पेंटागोन्स। इट कंटेंट 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग्स, ये हो गया आंसर। अब देखिए ये है सिलिकॉन के बारे में, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका पेज नंबर, सिलिका पेज नंबर 311 पेज 311 बुक 311 पेज में, ये पेज नंबर 320 बना दे, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज, देखिए ये 11.8.3 टॉपिक ये हुआ, 11.8.3 टॉपिक हो गया, 12 टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम सिलिकॉन्स डाइऑक्साइड को मैंने नॉन एक्स सिलिका अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म, क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट ट्राइमिडाइट्स आर द सम ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। तो ये तीनों जो होता है ये फॉर्म है इसका, ये ट्राइमिडाइट क्वार्ट्ज, ये आंसर हुआ, ये फॉर्म ऑफ सिलिका, द एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका ये हुआ, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म हुआ, ये एमोर्फस फॉर्म हो गया। इस तीनों के बारे में दिया हुआ है किताब में, ये नहीं है, ये एमोर्फस है, ये क्रिस्टो क्रिस्टल सिलिका के लिए ये फॉर्म होता है क्रिस्टोबेलाइट ट्रामिडाइट क्वार्ट्ज, और ये है टाइसलगर जो है ये एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका है, ये पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, नंबर ऑफ पेंटागोन्स इन कार्बन 60। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 60 फ्लोरीन में 12 हो रहा तो 12 तो इस फॉर्म में, इसमें 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेंटागोन्स इन कार्बन 60 और ट्राइगोन्स इन ट्रायंगल्स इन व्हाइट फास्फोरस रिस्पेक्टिवली। अभी पेंटागोन्स का संख्या 12 हम लोग पढ़े, 12 होता है और व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये फिगर 7.2 पेज नंबर 175 पर दिया हुआ है, ये इस तरह से व्हाइट फॉस्फोरस का, व्हाइट फॉस्फोरस ये व्हाइट फॉस्फोरस 7.2 175 7.6 देखिए व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सभी फॉस्फोरस चारों रहते हैं इस तरह से, ये 60 डिग्री एंगल होता है, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल तीन चार ट्रायंगल, इस तरह से हो गया ये आंसर। क्वेश्चन है जीमेन 2019 में, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ फेल्डस्पार ड्यूलाइट माइका एंड एरास्टोस। अब देखिए ये हमारी लिखा हुआ इस किताब में है, द सम ऑफ द एग्जांपल आर फेल्डस्पार ड्यूलाइट माइका एंड एरास्टोस, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज SiO4 माइनस फिगर 11.7 यहां पर दिया हुआ है, ये फिगर 11.7 में है ये चीज दिया हुआ, फिगर 11.7 इसका आंसर ये हुआ। अब देखिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, तो हम लोग आए 317 पेज में, 322 पेज में, 322 पेज हो गए 317 पेज में। तो
357 एम इसमें डायमंड है, ये कार्बन कार्बन डायमंड में 154 पिकोमीटर है, इसी में ग्रेफाइट ग्रेफाइट 151.5 इसमें दिया डायमंड में, ये डायमंड हो गया ग्रेफाइट 141 इस दोनों में है 143 तो सबसे बड़ा साइज किसमें होगा डायमंड, ये हमारे फिगर में दिया हुआ किताब में 317 फीट। अब ये among the following hydrogen with halogen, the one that requires a catalyst। तो देखिए ये बुक सेकंड में है, रिएक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग इस तरह से पेज नंबर 195 देख लेते हैं, इसमें 195 ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 194-195 के लिए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका, केमिकल प्रॉपर्टी में दिया है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिलता है हाइड्रोजन हेलोजन इसमें है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन जो है ऊपर से नीचे घटता है तो सबसे स्लो रिएक्शन इसके बीच होगा इसलिए इसको कैटलिस्ट का जरूरत पड़ेगा। यूनिट 7 बुक सेकंड ये 12 का 7.1.8 का रिएक्शन हो गया, इसी में ये दिया हुआ है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन सबसे स्लो होता है, हाइड्रोजन का रिएक्शन सबसे फास्ट, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो जो रिएक्शन स्लो होता है उसी के लिए कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, ये आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन एंजीमैन 2019 का पूछा, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, देखिए यहाँ पेज नंबर 197 7.19 कॉपी हुआ यहाँ पर लिखा हुआ विद कोल्ड एंड अल्कलाइन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली क्लोरीन प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड एंड हॉट एंड कंसंट्रेटेड गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ हॉट एंड कंसंट्रेटेड का, ये मतलब सुनोगे किसका इस तरह से यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है इस पेज पर, यहाँ पर वोटर ये 6NaCl2 इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पेज नंबर पर नीचे लिखा हुआ है इसका रिएक्शन हो गया आप लिख सकते हैं 3Cl2+6NaOH दिस प्रोपोर्शन रिएक्शन है 5NaCl+NaCl3+3H2 ये आंसर हो गया, ये बन गया क्लोराइड एंड क्लोरेट। हाई एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है पेज नंबर 195 पर डायरेक्ट लिखा हुआ है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन में लिखा हुआ है, यहाँ पर the strongest hydrogen bonding hydrogen halide are gases it forms only oxoacids while other halogen form number of oxide hydrogen fluoride is liquid due to a strong hydrogen bond that have higher boiling point expected from a is paragraph par sab likha hua a strong hydrogen bond iske wajah se HF ka boiling point sabse zyada oxo acids of sulfur that does not contain bond between sulfur atom each isme sulfur atom ka oxo acid mein sulfur cycle ke beech bond connection nahi hai to ye baat ka answer aapko milega 11.1 page number 189 H2S2O7 यहाँ पर देखिए सल्फर सल्फर के बीच कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया, एक हो गया आंसर तो बाकी की जो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन के आंसर से मतलब है। देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 179 टेबल इसका दिया हुआ है, टेबल इसका यहाँ देखेंगे 7.5 यहाँ 7.5 टेबल में दिया हुआ है,
लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दो चॉइस हमारा लिया हुआ है S3CO3, S3CO2, S4 P2O5, S3CO3, ऐसे चॉइस लिया हुआ है। इसमें तीन हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो एक ये हुआ, एक ये हुआ, चार को कंप्लीमेंट करेंगे। चारों का हमें स्ट्रक्चर यहाँ देखना टेबल में दिया हुआ है। तो H4P2O5, 2PO1, 2PO1, 2PPO1 इसके बारे में बात करते हैं। POP OH H OH H, ये आपका हो गया पायरोफॉस्फोरस एसिड। और नेक्स्ट हो गया H4 PP OH OH OH, कभी ऐसा भी पूछ सकता किसमें पीपी बॉन्ड है, किसमें पीपी बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, पीएच रिड्यूसिंग एजेंट होगा। H3PO3 फॉस्फोरस OH OH H, इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड POOH मोनोबेसिक एसिड है। इस टेबल में हमारा दिया हुआ तब है क्या, टू पीएच बॉन्ड, एक इसमें हुआ, दो पीएच बॉन्ड, एक ये चॉइस हुआ, एक ये चॉइस हुआ, जिस चॉइस में ये दोनों होगा वही आंसर होगा H3PO2 ये और ये, ये आंसर होगा। ये हमारे टेबल से किस तरह से रिलेटेड है ये हम समझे कि हमारे एग्जाम में कैसा रहा। ये जीमेन एडवांस का, नीट का, जीमेन का 2019 का क्वेश्चन हम आपको NCERT की किताब से मिला के बता दिए, पेज वाइज बता दिए, इसको डिस्कस करना है। तो हम लोग को NCERT खूब अच्छी तरह से बारीकी से पढ़ना है। अगर आपका इंफॉर्मेशन पक्का हो गया तो ये पी ब्लॉक से इनऑर्गेनिक पोर्शन से जो क्वेश्चन आएगा बस आप देख के साथ उसका आंसर कर देंगे। और फिर इससे आगे हम जो इसका वीडियो बनाएंगे तो 2018 का जीमेन एडवांस और नीट और एम्स का भी उस पर कंसिडर करके NCERT के मुताबिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।